आप सभी का स्वागत है इलेक्ट्रॉनिक्स बुलेटिन में। दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं शिल्पा पाठक और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री रघुदास ने जिला मुख्यालय सभागार में लिया विकास कार्यों का जायजा। शहर को प्लास्टिक मुक्त एवं अपराध मुक्त बनाने को लेकर लगाए जाएंगे 105 सीसीटीवी कैमरे। शहर के लीज बंदोबस्ती से मंत्री सरजुरा नाराज, कहा मेरे विधानसभा बुलडोजर लाने से पहले पूछना होगा मुझसे। शहर में स्कूली वैन ऑटो चालकों की धरपकड़ पर छात्र मुक्ति मोर्चा करेगा वाहन चालकों के लिए आंदोलन। और परमाइस के पुराने आर्चरी मैदान का हालत देख रेख के कारण हुई जर्जर तीरंदाजी तो दूर, लोग वहां खेलने भी नहीं जाते। और अब खबर विस्तार से। झारखंड के मुख्यमंत्री रघुदास 3 दिवसीय दौरे पर जमशेदपुर में है। आज सुबह मुख्यमंत्री रघुदास जिला के उपायुक्त कार्यालय सभागार में CSR के तहत एक बैठक की। इस बैठक में जिले के उपायुक्त अमित कुमार, SSP अनुपित रे, तमाम अधिकारियों, कई कंपनी के प्रतिनिधि शामिल हुए। मुख्यमंत्री रघुदास जिला के विकास कार्यों का जायजा लिया। साथ ही मुख्यमंत्री जिले के अधिकारियों, निजी कंपनियों के प्रतिनिधियों को विशेष दिशा निर्देश भी दिए। केवल तकरीबन 1.5 घंटे तक चली बैठक खत्म कर मुख्यमंत्री अपने एग्रीको स्थित आवास के लिए रवाना हो गए। उपायुक्त अमित कुमार ने मीडिया से बातचीत में कहा कि बैठक शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल विधि व्यवस्था में प्लास्टिक के प्रति जागरूकता को लेकर की गई है, ताकि लोग प्लास्टिक का उपयोग जल्द से जल्द छोड़ दें। उन्होंने कहा कि शहरी एवं ग्रामीण इलाके में पेयजल समस्या को दुरुस्त करने को लेकर सभी अधिकारियों एवं कंपनी के प्रतिनिधियों को दिशा निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि शहर की विधि व्यवस्था दुरुस्त करने को लेकर 100 से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाने हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि प्लास्टिक के प्रति लोगों के बीच जागरूकता अभियान चलाकर प्लास्टिक मुक्त जिला बनाना है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा पूर्वी सिंहभूम जिला अंतर्गत चलाए जा रहे CSR के कार्यों की समीक्षा की गई, जिसमें आज टाटा स्टील को छोड़ करके अन्य जितने भी औद्योगिक घराने हैं उनके और प्रतिष्ठित व्यवसायियों को यहां पर बुलाया गया था। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा समीक्षा के क्रम में 3 बिंदुएं जो है वो निर्धारित की गई हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था की जाए, शहरी क्षेत्रों में विधि व्यवस्था के संधारण के लिए 100 CCTV कैमरे जो है स्थापित किए जाए, और प्लास्टिक को लेकर के एक व्यापक जन जागरूकता जो है वो चलाई जाए ताकि प्लास्टिक के उपयोग को हम लोग जो है वो बैन कर सकें। इन 3 बिंदुओं पर जो है वो सभी जितने भी प्रतिभागी हैं, औद्योगिक घराने हैं, उनके द्वारा जो है वो कमिटमेंट दिया गया है। सभी लोगों ने इसके प्रति प्रतिबद्धता जाहिर की है। इसके अंतर्गत इस शहर में 100 CCTV कैमरे जो है वो अधिस्थापित किए जाएंगे, साथ ही साथ ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति के लिए जल मीनार बनाने का भी जो है वो काम लिया गया है, और उम्मीद है कि ये सारे कार्य जो है वो 5 से 6 महीने के अवधि में जो है वो पूरा किया जाएगा। झारखंड सरकार के खाद्य आपूर्ति मंत्री सरजुराय अपनी सरकार से नाराज चल रहे हैं। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर साफ कर दिया है कि सरकार की लीज बंदोबस्त योजना फेल हो चुकी है। आपको याद दिला दें कि झारखंड सरकार ने 1985 से पहले झारखंड में रहने वाले भूमिहीनों को 30 साल का लीज देने का ऐलान किया है, और इसको लेकर लीज बंदोबस्ती प्रक्रिया चल रही है। कारण कि सबसे पहले जमशेदपुर में लीज बंदोबस्ती योजना शुरुआत की गई है, लेकिन अब तक 5% लोग भी सहमति नहीं जताई है। सरकार को लगा कि हम लोगों को कहेंगे कि आप लीज ले लीजिए, लीज में ले लीजिए, तो लोग दौड़े दौड़े आएंगे, उनको फायदा होगा इसका। मगर सरकार ने जमशेदपुर में तो पूरा प्रयास किया, राज्य के किसी दूसरे हिस्से में नहीं किया, मगर जमशेदपुर में पूरा प्रयास किया, अलग अलग क्षेत्रों में कैंप लगाकर कि लोग लीज पर ये ले लें अपना बसाहट को। लोग नहीं तैयार हैं, 5% लोगों ने भी नहीं लिया इसको। तब हमको सोचना चाहिए कि हम लोगों को जो सुविधा देने जा रहे हैं वो सुविधा लोगों को पसंद नहीं है, उनको अपने लायक नहीं लगता है, तो हमको इसमें परिवर्तन करना चाहिए। मेरा ही प्रयास है इसमें चेंज करना चाहिए, ताकि सरकार को भी फायदा हो जाए, सरकार के खजाने में भी पैसा आ जाए, और इसका घर है जिसकी जमीन है उसको लेके हमारी हो गई, अपनी हो गई, तो इसलिए इसमें परिवर्तन करना चाहिए। मैं इस परिवर्तन के लिए प्रयासरत हूँ कि लोगों को लगे कि नहीं ये घर मिला है तो हमको कुछ मालिकाना ओनरशिप जैसा हमको लग रहा है, उसके बदले में सरकार उनसे ले ले जमीन का पैसा, ले ले कुछ भी करे, एक बार उनसे एक मुश्त ले ले और इसको सेटल कर दे हमेशा के लिए। और जो बस्तियां बनी हुई हैं उन बस्तियों में तो बहुत तीव्रता के साथ इसको करना चाहिए, सरकार को काम ये करना चाहिए।
वहीं इन्होंने अतिक्रमण हटाओ अभियान पर भी सरकार जिला प्रशासन का आड़े हाथ लिया है। जिला प्रशासन अगर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाती है तो उससे पहले प्रशासन को सत्यापन जानना होगा कि जहाँ पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाना है वहाँ इलाका कैसा और कौन से इलाके में बुलडोजर चलानी चाहिए। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में अगर सरकार जिला प्रशासन बुलडोजर चलाती है तो सबसे पहले हमसे प्रशासन बात करे, उसके बाद बुलडोजर चलाए। वहीं मंत्री सजुरिया ने टाटा लीज बंदोबस्ती पर भी अपनी प्रतिक्रिया बताते हुए कहा कि सरकार टाटा लीज संभवता पर है, दोबारा रिफ्यूज करने की जरूरत नहीं है। इन्होंने कहा कि सीएसआर के साथ साथ टाटा कंपनी को सीएसआर के तहत काम करनी है। आपको ठोस विचार करना चाहिए, अतिक्रमण है क्या, उसमें हमारी प्राथमिकता के क्षेत्र कौन से हैं, इसका निर्धारण होना चाहिए। और जहां अतिक्रमण हटाना है वहां 2 दिन 4 दिन 5 दिन पहले दागी दे देना चाहिए कि भाई आपका ये एरिया अतिक्रमण है। क्योंकि डिमना रोड में जो अतिक्रमण हटा है उस अतिक्रमण में काफ़ी विवाद है। मैं घूमने गया था, जो लोग कह रहे हैं मुझे सही लग रहा है, इसलिए मैंने डीसी को कहा है कि इस पर विचार करिए। और तीसरा मैंने कहा है कि हमारे जो बस्ती क्षेत्र हैं उन बस्ती क्षेत्रों में टाटा इसलिए कहना है कि हम एक साल के भीतर सबसे ठेला वालों को हटाया गया, तो हटाने का कारण क्या था, क्यों हमने हटा दिया और क्यों आप इतने दिनों के बाद हम फिर उनको पुनर्वासित करने बसाने की बात करते हैं। तो तुगलकी फरमान की तरह नहीं होना चाहिए प्रशासन का। आज प्रशासन को लगा कि धूप हो गई है तो हटा दो और छाया हो गई, बादल आ गए तो फिर ले आके बसा दो। और इसमें हमने कहा है कि जो स्थानीय लोग हैं उन लोगों के प्रतिनिधियों के अनुसार ये काम होगा। और मेरा जो चुनाव क्षेत्र है, इस चुनाव क्षेत्र में इस तरह की कोई घटना होती है तो बिना मुझे विश्वास में लिए ये घटना इस तरह का कोई कार्रवाई होगी तो उस कार्रवाई का मैं समर्थन नहीं करूँगा। और वह सरकार के जो प्रतिनिधि हैं वो सही तरीके से लागू भी नहीं कर सकते हैं, इसलिए मैंने बात। शहर में आज से अभी निजी स्कूलों की गर्मी छुट्टी समाप्त हो जाएगी। इसके दौरान सभी स्कूलों में निजी वैन एवं ऑटो चालकों का परिचालन भी बढ़ जाएगा, जिसकी चिंता ऑटो चालकों वैन मालिकों को सताने लगी है। जमशेदपुर पुलिस के द्वारा कई ऑटो वैन की धरपकड़, बच्चे बैठाने के दौरान ना होने लगे, इसको लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा के पूर्व मंत्री सह विधायक चंपई सोरेन ने इन निजी वैन एवं ऑटो चालकों को लेकर अपनी चिंता जाहिर किया है। शहर में चालकों के द्वारा ही हम बच्चों को जो स्कूल पढ़ने चाहते हैं वह घर और स्कूल में इन वाहन चालकों के भरोसे सुरक्षित जाते आते हैं। लेकिन जिस तरह से जिला प्रशासन ने ऑटो वैन में बैठने वाले लोगों की संख्या में कमी की है, इसको लेकर ऑटो वैन चालक भी सकते में है। और शहर में कुल 65 निजी स्कूल है, जिसमे निजी स्कूलों के सहयोग से हमारे एवं आपके बच्चे को लाना ले जाने का काम करती है। और इनका कई ऐसे चालक है कि जो कि बैंक से लोन लेकर अपनी और अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। तकरीबन 20,000 ऐसे वाहन चालक हैं। अगर जिला प्रशासन इनके साथ किसी प्रकार का चेकिंग करती झारखंड मुक्ति मोर्चा जिला कमेटी इसके विरोध में जोरदार आंदोलन करेगी। पहले भी हमने कह दिया इस शहर के अंदर में 63 या 65 जो स्कूल चल रहा है निजी स्कूल, वहाँ बेरोजगार लोग कुछ कम से कम 20,000 से ज़्यादा बेरोजगार जो एक इसको वाहन लिया है। बहुत अपना दायित्व तो वो लोग निभाते हैं, किसी परिवार का बच्चा को पहुँचाना है स्कूल पर फिर घर तक तो पहुँचाना है, बहुत बड़ा जिम्मेदारी। जो हम लोग पिछले ADC के पहले हम लोग भी एक निर्णय लिया था ओवरऑल रखे, एक मिनिमम हम लोग विद्यार्थी का तय कर दिया था कि उमुक वाहन में इतना ही विद्यार्थी आएगा जो उन लोग का आने जाने में दिक्कत नहीं हो। उसमें भी कुछ विद्यार्थी को कम करने के लिए फिर सरकार ने अपना जांच शुरू करने जा रहा, ये अखबार में आ गया था। तो ये बेरोजगार 20,000 जो निजी वाहन है जो बच्चों को विद्यार्थी को स्कूल तक पहुंचा के फिर घर तक पहुँचाने, अगर इस तरह से होगा तो 20,000 से ज़्यादा निजी वाहन बेरोजगार रोड में आ जाएगा। वो लोग बहुत ज़्यादा यहाँ पर उन लोगों को लाभ नहीं आया, लेकिन सिर्फ उन लोगों का एक जमशेदपुर के बरामाइन से स्थित सबसे पुराने आर्चरी मैदान का हालत इन दिनों काफी खराब है। देखरेख के अभाव में ये मैदान इतना खराब हो चुका है कि बच्चे यहाँ खेलना तो छोड़ चुके हैं, लेकिन अब दोबारा से इसमें नई कमेटी का गठन किया गया है और ग्राउंड को बेहतर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए जमशेदपुर से एक खास रिपोर्ट।
जिस मैदान को आप देख रहे हैं उन पुराने आर्चरी ग्राउंड में शामिल है जब झारखंड राज्य में गिने चुने जगह तीरंदाजी खेली जाती थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि आज के इंडियन आर्चरी टीम के कोच धर्मेंद्र तिवारी खुद इस मैदान से प्रशिक्षित है। साथ ही इस मैदान ने कई बड़े बड़े खिलाड़ियों को प्रशिक्षित किया है, लेकिन संसाधनों के अभाव से ये वीरान हो गया है। यहाँ तक ये मैदान तब से है जब जमशेदपुर का जीआरडी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी नहीं बना था। फिलहाल वर्तमान कमेटी के अध्यक्ष भाजपा जिला अध्यक्ष दिनेश कुमार ने अब इसे दोबारा ठीक करने का पीड़ा उठाया है। मैदान में फिर से एक बार बच्चे प्रशिक्षण के लिए पहुंच रहे हैं और ट्रेनर इस जुगत में जुड़ गया है और एक बार फिर से इस ग्राउंड को सर्वोच्च स्थान पर पहुंचाया जा सके। यहाँ बच्चों को प्रशिक्षण दे रही ट्रेनर अंजलि के अनुसार यहाँ सबसे बड़ी समस्या कचरे की। आसपास के लोग अपना कचरा इसी मैदान में डालते हैं जिससे खिलाड़ियों को समस्या हो जाती है। ये झारखंड का और हमारे जमशेदपुर का सबसे पुराना आर्चरी ग्राउंड है और जिसका एक मतलब इसका पूरा पतन हो चुका था, जिसको हम लोगों ने मिलके भी नई कमेटी बनाई है जिसमें दिनेश कुमार जी हमारे प्रेसिडेंट हैं और हमारे सचिव हैं धर्मेंद्र तिवारी जी और काफ़ी साथ में लोग जुड़े हुए हैं इस कमेटी को। नया कमेटी बनने के बाद इसका पुनर्स्थापना हम लोग किए और उसके बाद हम लोग इस ग्राउंड को अभी चलाने के लिए सुचारू रूप से चले एक ग्राउंड और इस ग्राउंड में अच्छे से अच्छे बच्चे तैयार हो जो कि टाटा आर्चरी अकेडमी जैसे और भी जो अकेडमी है उसके मुकाबले में ये बच्चे उनको पार्टिसिपेट करें और उनको बढ़ावा दे सके, उनके मुकाबले में उनसे आगे बढ़ें, इसलिए हमने यहाँ बच्चों को प्रशिक्षण दे रहे हैं। उसकी ज़्यादातर ये समस्या होती है कि यहाँ हमारा जो बाउंड्री वॉल है वह का हाइट काफ़ी छोटे होने की वजह से यहाँ जो बस्तीवासी है जो कि यहाँ पे कचरा वगैरह फेंकते हैं और जो कि ग्राउंड को प्रदूषित करते हैं, हम लोग हर शनिवार को यहाँ पे स्वच्छता अभियान चला के हम ग्राउंड का सफाई मेंटेनेंस करते हैं और हम सबसे ज़्यादा समस्या हमारी इस ग्राउंड को लेकर ही है। तो क्योंकि सफाई अभियान नहीं हो पाता है, सफाई नहीं हो पाता है, लोग जागरूक नहीं है जिसके वजह से यहाँ पे कचरा फेंकते हैं। वहीं वर्तमान कमेटी के समक्ष संसाधन की एक बहुत बड़ी चुनौती है। इनके पास फिलहाल इतनी फंड नहीं है कि ये खिलाड़ियों को सभी संसाधन उपलब्ध करा सके। यहाँ के ट्रेनर के अनुसार जितने संसाधन इनके पास थे उन सभी को लगाकर उन्होंने फिर से एक नई शुरुआत की है, लेकिन अब इसमें सरकारी मदद की भी आवश्यकता है जिससे यह के खिलाड़ी एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुँच कर देश और अपने शहर का नाम रोशन कर सके। ट्रेनिंग सेंटर बहुत पुराना ग्राउंड है, ये सन 1980 से है और इसे हम लोग लास्ट ईयर दुर्गा पूजा के बाद से हम लोगों ने ग्राउंड को पुनः शुरू किया है और इसको शुरू करने के बाद से हमने नया कमेटी बनाया है जिसमें हमारे दिनेश जी जो हैं हमारे अध्यक्ष हैं और हम चाहते हैं कि इस ग्राउंड को पूरा कंप्लीट किया जाए और यहाँ धीरे धीरे बच्चों की संख्या बढ़ रही है और जो धीरे धीरे नेशनल और इंटरनेशनल पे अपना झारखंड स्टेट और देश का नाम रोशन करेंगे। और मैं ये चाहता हूँ कि झारखंड गवर्नमेंट हमें इस ग्राउंड को डेवलप करने के लिए और मदद करे। बहरहाल यह वाकई चौंकाने वाला नजारा है कि जिस मैदान ने बड़े बड़े तीरंदाजों को तैयार किया आज उसी मैदान संसाधन के अभाव में तीरंदाज तैयार नहीं हो पा रहे हैं। अगर इन्हें सरकारी स्तर पर खुद मदद मिले तो फिर से मैदान कई बार सुरमानों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचा सकती है। खबर वक्त छोड़ से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। जब आपके स्वास्थ्य को मिलती है आयुर्वेद की शक्ति, आपके जीवन में असाध्य रोग की समस्या बिल्कुल नहीं ठहरती। पिछले 30 वर्षों से शुद्ध एवं प्राकृतिक जड़ी बूटियों से तैयार असरदार औषधियों के साथ आपके स्वस्थ व निरोग जीवन का एक भरोसेमंद प्रतीक जीवन ज्योति हेल्थ क्लिनिक। जी हाँ, पिछले 30 वर्षों से लगातार बंगाल, उड़ीसा और झारखंड के असाध्य रोगों से पीड़ित हजारों मरीजों का बिल्कुल सफल उपचार, कई राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित आयुर्वेद बृहस्पति डॉक्टर एस के तिवारी की सबसे कामयाब तकनीक जीवन ज्योति हेल्थ क्लिनिक। शारीरिक दुर्बलता हो या नपुंसकता, यौन जीवन से असंतुष्ट या काम सुख में कोई भी अड़चन, स्वप्न दोष या फिर शीघ्र पतन, आपकी सभी यौन समस्याओं का अंत बिल्कुल जड़ सहित जीवन ज्योति हेल्थ क्लिनिक। मासिक गड़बड़ी, श्वेत प्रदर, रक्त दोष या ल्यूकोरिया, शुगर, वात रोग, मोटापा या फाइलेरिया, हर मुश्किल और असाध्य रोग का विश्वसनीय इलाज एकदम सटीक जीवन ज्योति हेल्थ क्लिनिक। निसंतान दंपतियों की चाहत अपने रहे अधूरी, संतान प्राप्ति की मनोकामना हो जाए पूरी। आयुर्वेद शिरोमणि डॉक्टर एस के तिवारी की सफल चिकित्सा एकदम आधुनिक। पिछले 30 वर्षों से नंबर 1 आयुर्वेदिक दवाखाना जीवन ज्योति हेल्थ क्लिनिक। स्वस्थ तन मन निरोग जीवन।
होटल अंबर के बगल में, न्यू कालीमाटी रोड, साक्ची, जमशेदपुर। फोन 0657-2438-616, 983-555-1212, 943-111-3166। प्रतिमा 8 से 20 तारीख तक। ब्रेक के बाद का फिर से आपका स्वागत है। जेईई एडवांस का रिजल्ट जारी हो चुका है, वैसे जमशेदपुर का फिर से बाजी मार ली है। जमशेदपुर डीबीएमएस इंग्लिश स्कूल के छात्र आयुष अग्रवाल 60वां रैंक लेकर कोल्हान में नंबर 1 पर है। वैसे आयुष अग्रवाल के परिवार खुशी की लौट दौड़ गई है। इधर आयुष में जमशेदपुर पूरे कोल्हान का नाम रोशन कर दिया है। इधर आयुष को मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कोल्हान में टॉप होने पर बधाई भी दी। तो है पर इससे बेटर हम एक्सपेक्ट किए थे। खुश तो है पर वैसे मेरे टीचर्स बोलते थे कि तुम्हारा सिंगल डिजिट तुम ला सकते हैं, हमको पता है हम कर सकते थे, तो उतना हम नहीं कर पाए पर फिर भी खुश है। हम लोग घर से और कोई नहीं निकाला अभी तक, इसीलिए हम लोग बहुत खुशी है, बहुत खुश है, सबको बहुत प्राउड हो रहा है और सबको ऐसा विश्वास भी था कि आयुष कर सकता है। केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के सफलता में विकास सिर्फ 4 वर्ष पूर्ण होने पर भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा एवं महानगर की ओर से भव्य बाइक रैली निकाली गई। इस अवसर पर मंत्री सरजुराज, जिला अध्यक्ष दिनेश कुमार समेत भाजपा के कई नेता मौजूद थे। बाइक रैली को मंत्री सरजुरा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बाइक रैली खत्म गणेश पूजा मैदान से होते पूरे शहर में होते हुए बरामद समाप्त हो गया। इस रैली के द्वारा सरकार की उपलब्धियां को लेकर प्रचार तक पहुंचाया गया। मंत्री सरजुरा ने कहा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने भाजपा सरकार द्वारा जो आधारभूत जो काम हुआ है उस काम को लोगों तक पहुंचाया जा रहा है और जनता को किए गए जो वादे थे वो सरकार ने पूरे किए और आगे भी सभी वादे पूरे किए जाएंगे। आने वाले चुनाव में फिर से भारतीय जनता पार्टी पर अपना विश्वास बनाए रखे, जिसको लेकर यह रैली निकाली गई और लोगों तक यह प्रचार किया गया। उन्होंने कहा कि आने वाले चुनाव फिर से केंद्र राज्य सरकार में भाजपा सरकार आएगी। हमारी जो भारत में नरेंद्र मोदी जी की भाजपा सरकार बनी है, उस भाजपा सरकार के 5 साल पूरा होने जा रहे हैं, 4 साल पूरा हो गए हैं, 5वां साल आरंभ हो गया है। 4 वर्षों में इस सरकार ने क्या किया है देश को बदलने के लिए, देश में नई व्यवस्था कायम करने के लिए, देश को अगले 5 वर्षों में आगे ले जाने के लिए जो आधारभूत काम हुआ है, उस आधारभूत काम को लोगों के जेहन में, दिमाग में बैठाने के लिए जनता युवा मोर्चा की ओर से रैली हो रही है, मोटरसाइकिल रैली हुई है। तमाम युवक बड़ी संख्या में इसमें हैं, शहर में जिधर से भी गुजरेंगे लोगों के दिमाग में बात आएगी किस लिए जा रहे हैं। इसलिए हमारा जो चुनाव है अगले साल, उस चुनाव के बाद फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने और लोगों के दिमाग में ये बैठे कि जो वादे किए गए थे उन वादों में से बहुत वादे पूरे हो गए हैं और कई वादे हैं जो बीच के रास्ते में हैं। इसलिए जनता को एक भरोसा करना चाहिए, देश की नई तस्वीर बन रही है। एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो देश को नए युग की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार कर रहे हैं। ये बात लोगों के दिमाग में बैठनी चाहिए, बार बार लोगों के दिमाग पर इसका प्रहार होना चाहिए, यही उद्देश्य है आज इस रैली का। जमशेदपुर के टाटा मेन हॉस्पिटल के नए भवन का सीलिंग करने से 6 इलाज करा रहे मरीज गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए दूसरे वार्ड में शिफ्ट कर इलाज करवाया जा रहा है। बिस्टुपुर स्थित शहर का सबसे बड़ा टाटा मेन अस्पताल उस वक्त अफरा तफरी का माहौल बन गया जब नए भवन के 3 वार्ड में इलाज करा रहे मरीजों के ऊपर सीलिंग गिर पड़ा, जिसकी चपेट में आने से 6 मरीज गंभीर रूप से जख्मी हो गया। सभी को आनंद फार्म में दूसरी जगह शिफ्ट कराया गया। दुर्घटना में मौजूद कई नर्सों को भी चोटें आई है। दुर्घटना की सूचना मिलती टाटा कंपनी के वरीय अधिकारी तथा अस्पताल प्रबंधक के लोग पूरे घटना की जांच पड़ताल में जुट गए हैं। फिलहाल सीलिंग गिरने की वजह से बड़ा हादसा बच गया है।
आइए। जमशेदपुर विश्वकर्मा टेक्निकल इंस्टीट्यूट का ग्रेजुएशन डे कार्यक्रम का आयोजन कर तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता के साथ नए भारत का निर्माण करने वाले छात्र छात्रों को पुरस्कृत किया गया। साक्षी से रामगढ़िया सभा विश्वकर्मा टेक्निकल इंस्टीट्यूट के द्वारा ग्रेजुएशन डे कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि झारखंड सरकार के खाद्य आपूर्ति मंत्री सरजुआ कौशल विकास पदाधिकारी SP झा मौजूद थे। कार्यक्रम के दौरान तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर मेधावी छात्र छात्राओं का अतिथियों के हाथों पुरस्कृत किया गया। इस अवसर पर सिख समाज के कई बुद्धिजीवी लोग मौजूद थे। कार्यक्रम को संबोधित करते कौशल विकास पदाधिकारी SP झा ने कहा कि जिले में कुल 7 तकनीकी शिक्षा संस्थान चल रहे हैं। छात्र नई तकनीकी सीखकर अपने भविष्य को सवार कर देश की उन्नति में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं। नए वित्तीय वर्ष में कौशल विकास विभाग के द्वारा 3 नए तकनीकी शिक्षण संस्थान का निर्माण कराया जाएगा, जिसमें नई टेक्नोलॉजी के साथ साथ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से संबंधित क्लास करवाए जाएंगे। 2005 के बाद सरकारी मान्यता प्राप्त करके AITI बन गया। शुरू में यानी 2005-07 और 2006-08 बैच में फीटर तथा इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के एक एक यूनिट के साथ ये चालू किया गया। 2007 और 9 में मैकेनिकल ड्राफ्टमैन का एक यूनिट चालू किया गया, जो 2009 के बाद बंद कर देना पड़ा, क्योंकि इस ट्रेड में स्टूडेंट आना बंद कर दिया। 2009 में फिटर का एक और यूनिट का सेंक्शन हुआ। 2011 में जमशेदपुर ADL सनसाइन इंग्लिश स्कूल द्वारा नया भवन बनकर तैयार हो गया है, जहाँ गर्मी छुट्टी के बाद बच्चे नई ऊर्जा के साथ शिक्षा प्रदान करेंगे। 50 कमरे वाले इस स्कूल परिसर में छात्र छात्राओं के लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। टाटा स्टील कंपनी परिसर का विस्तारकरण को लेकर साक्षी स्थित ADL सनसाइन इंग्लिश स्कूल का नया भवन कदमा शास्त्री नगर बनकर तैयार हो गया, जहाँ बच्चे गर्मी छुट्टी के बाद शिक्षा प्राप्त करने के लिए पहुंचेंगे। इस स्थल में आंध्र एसोसिएशन और ADL सनसाइन इंग्लिश स्कूल के द्वारा एक संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें सोसाइटी के सचिव M. रवि कुमार ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि 20 करोड़ की लागत से नए भवन का निर्माण कराया गया है। 50 कमरों वाला यह भवन सभी अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है, जिसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण को लेकर स्कूल मैनेजमेंट और टाटा स्टील के द्वारा तैयार किया गया। इस भवन निर्माण में टाटा स्टील के 15 करोड़ का सहयोग स्कूल कमेटी को दिया गया है। इंग्लिश स्कूल के साथ साथ हिंदी मीडियम के भी क्लास गर्मी छुट्टी के बाद 11 जून से शुरू हो जाएंगे, जहां छात्र नए भवन में छुट्टी के बाद नई ऊर्जा के साथ अपने भविष्य को संवारने का काम करेंगे। 50 कमरों वाले इस नए भवन में 35 अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस क्लास बनाए गए हैं, जिसमें छात्र छात्राओं को डिजिटल बोर्ड के माध्यम से शिक्षा दी जाएगी। ICSE काउंसिल जो नॉर्म्स के हिसाब से हैंडीकैप बच्चों के लिए भी बना के रखना है आपको, इसलिए बना के रखें। अभी टोटल जो है 50 कमरे से ऊपर है, जिसमें से 33 कमरा जो है खाली क्लासरूम से, आपका लैब वगैरह जो है वो अलग है, एडमिनिस्ट्रेशन का अलग है, लेकिन क्लास के लिए हम लोग 33 कमरा हम लोग उपलब्ध कराया। अभी ये अभी 8-12 तक जो है आपका 11 तारीख मंडे से चालू होगा, 7:30 से 1:40 तक टाइमिंग है, और 18 तारीख से जो है आपका नर्सरी से 7th क्लास तक फुल फ्लेज में चालू हो जाएगा। और क्या है जो बताना चाहेंगे? हम ये बताना चाहेंगे कि अभी जो भी नया जो टेक्नोलॉजी है उसका इससे है, जैसा टाटा प्रवेश डोर्स, टाटा विंडोज, LED लाइट्स, आपका जो वाटर का जो प्योरीफाई वाटर का जो है विद वाटर कूलर का साथ में, और वो भी हम लोग लगवा रहे हैं, अभी एक हफ्ता में कंप्लीट हो जाएगा। और नर्सरी LKG अपर KG के लिए जो है थोड़ा मॉडल क्लासरूम टाइप में हम लोग बनाने जा रहे हैं, जिसमें AC भी रहेगा बच्चों के लिए। हाँ, आप पता नहीं कौन स्कूल में है कि नहीं, हम तो दूसरे के बारे तो नहीं बोलेंगे, अपना स्कूल के बारे बताएंगे। और दूसरा खास है कि इमरजेंसी बेल भी एक लग रहा है, जिसमें अगर मान लीजिए इनकेस एनी इंसिडेंट होता है वो इमरजेंसी बेल बजेगा, जिससे बच्चे अलर्ट हो जाएंगे। फायर अलार्म अलग है, वो अलग है।
लागत अभी हम लोग का 20 करोड़ रुपया पार हो गया, जिसमें टाटा स्टील जो है 14 करोड़ रुपया से ऊपर जो है टाटा स्टील सहायता किया। ज्ञात्री परिवार युवा नव युग दल के तरफ से DSM कासरी स्कूल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 200 यूनिट रक्त संग्रह करने का लक्ष्य रखा गया। ज्ञात्री परिवार के युवा प्रकोष्ठ के नव युग दल के द्वारा कई वर्षों से ज्ञात्री परिवार के द्वारा रक्तदान का आयोजन किया जाता है। रक्तदान उन लोगों को प्रदान किया जाता है जो इस रक्त के सही मायने में हकदार है, या उन बीमारी के बीच प्रदान की जाती है जो किसी लंबी बीमारी के कारण ग्रसित है और रक्त के बिना उसकी मौत हो जाती है, वैसे लोगों के बीच रक्त प्रदान किया जाता है। इस रक्तदान में मुख्य अतिथि के रूप में झारखण्ड विकास मोर्चा के केंद्रीय महासचिव अभय सिंह शामिल थे। परिवार का एक युवा प्रकोष्ठ है, नयुग दल के नाम से उसको हम जानते हैं, उसके द्वारा एक कार्यक्रम चल रहा है। पिछले कई वर्षों से कार्यक्रम लगातार आ रहा है और एक साल में हम लोग 3 कैंप मिनिमम लगाते हैं। ये हमारा 34वां कार्यक्रम है जो कि हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं। इसमें हम लोग 225 यूनिट तक हम लोग करने का प्रयास करते हैं प्रत्येक वर्ष, और जितना भी ब्लड हम लोग कलेक्शन करते हैं ये हम लोग ब्लड कैंसर हॉस्पिटल में देते हैं, और जो हमारे नीडी पर्सन हैं जो हमारे समाज में जिनको ज़रूरत पड़ता है, जो असमर्थ लोग हैं उनको हम लोग ऊपर निःशुल्क देते हैं। हाँ, ये कैंप आयोजन हुआ है आज ये कैंप जो है हमारे DSM स्कूल काशी डेम हुआ है, और ये अभय सिंह जी द्वारा हम लोगों को इसमें प्रेरणा और सहयोग मिलता है। और एक कुछ कार्यक्रम हम लोग अपने गायत्री परिवार गोल पहाड़ी में मंदिर में होता है, पिछला कार्यक्रम वहाँ हुआ था, इसके पहले टूला डूबनी हुआ था। साल में 3 कार्यक्रम 4 कार्यक्रम करते हैं। नाम बताइए। मेरा नाम जितेंद्र कुमार सचान, युवा प्रकोष्ठ। और अब चलने से पहले एक निराते अब तक की सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री रघुदास ने जिला मुख्यालय सभागार में लिया विकास कार्यों का जायजा। शहर को प्लास्टिक मुक्त एवं अपराध मुक्त बनाने को लेकर लगाए जाएंगे 105 CCTV कैमरे। शहर के लीज बंदोबस्ती से मंत्री सरजुरा नाराज, कहा मेरे विधानसभा बोर्ड चलाने से पहले पूछना होगा मुझसे। शहर में स्कूली वैन ऑटो चालकों की धरपकड़ पर झारखंड मुक्ति मोर्चा करेगा वाहन चालकों के लिए आंदोलन। और बरमाइस के पुराने आरसीए मैदान का हालत देख रेख के कारण जर्जर तीरंदाजी तो दूर, लोग वहां खेलने भी नहीं जाते। तो आज के लिए बस इतना ही, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।